हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में काफ़ी टाइम बाद आज के दिन एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तब तक का आपको ओवरऑल प्राइस दिखाऊंगा और एक अच्छी खासी तेज़ी आज के दिन बनी हुई है। उसके पीछे के कुछ रीजंस हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने आज बताया था कि आज के दिन आपको यस बैंक में एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और सेम ऐसा ही देखने को मिला है। इवन मुझे बहुत सारे नेगेटिव कॉमेंट भी आए थे, लेकिन शायद उन लोगों को भी आंसर मिल गया होगा। तो पूरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ रहा है और यहाँ से अब क्या चीज़ें बन सकती हैं। कुछ मेजर और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं जो कि निकल के आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मार्केट सिनेरियो के बारे में एक बार जान लेते हैं। आज मार्केट अगर आप देखोगे तो नेगेटिव माहौल दिखा रहा है। सेंसेक्स में करीबन 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 में करीबन 100 पॉइंट्स और निफ्टी बैंक में करीबन 400 पॉइंट्स की गिरावट है, और निफ्टी मिड कैप एट पार पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। यानी कि ओवरऑल मार्केट आज पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव देखने को मिल रही है। और यहाँ से निफ्टी बैंक में भी आपको अच्छी खासी गिरावट है 1% के आसपास की। वहीं कुछ स्टॉक्स हैं जैसे कि जोमेटो, डिलीवरी, नायका, मदर्स एंड सोमी 3.5% से लेकर 4% से ज़्यादा का मूवमेंट दिखा रहे हैं और आज के दिन के टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल भी हुए हैं। तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस आज के दिन के टॉप लूजर हैं। 5% से लेकर 6.5% तक की गिरावट जो है वो आज के दिन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कहानी रही है आज की मार्केट की। अब हम डायरेक्टली आते हैं यस बैंक पर। यस बैंक अभी तक जब मार्केट आधा घंटा बाकी है क्लोजिंग में, तब तक अगर आप देखोगे 2.5% का आसपास का मूवमेंट दिखा रहा है। और एक टाइम पे तो अगर आप देखोगे तो 16.75 रुपये तक का हाई गया है, यानी कि करीबन 2.5% के आसपास तक की भी मूवमेंट आज के दिन देखने को मिली है। 16.50 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे चीज़ें एक अच्छा माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है आज के दिन। कुछ प्राइस चेंजेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सो डेट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा मूवमेंट रहा है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। पिछले एक महीने में 18% की गिरावट ऑलरेडी हुई है, यानी कि माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है पिछले एक महीने में। पिछले 3 महीने में 3% के आसपास की गिरावट है, यानी कि पिछले 3 महीने में माहौल ख़राब है। और पिछले 6 महीने के बारे में बात करें तो एट पार जैसा सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो माहौल न्यूट्रल नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल तो ख़राब ही है 3 पैरामीटर्स में। लेकिन वहीं एक साल में 19-20% के रिटर्न्स अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से अब चांसेस बन रहे हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स आ जाएं, जो कि मैं अभी आपको पूरी तरीके से रिपोर्ट भी समझाऊंगा, जिससे आज के दिन मूवमेंट आया और आने वाले टाइम में भी बना रह सकता है। एनएससी पर लेकर चलता हूँ, आइडिया लगेगा आपको कि आज के दिन का कारोबार कैसा रहा है यस बैंक के अंदर। पूरा डेटा मैंने यहाँ पे आपको शो किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज जो बाइंग साइड है वहाँ पे ऑर्डर्स ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेलिंग साइड। करीबन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2.27 करोड़ के आसपास बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं अभी भी, और 1.58 करोड़ के आसपास के सेलिंग ऑर्डर्स हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चीज़ें क्या है कि लोग खरीदारी इस लेवल पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन जब इसमें गिरावट भी हो रही थी तब भी लोग इसमें खरीदारी ही कर रहे थे इस पर्टिकुलर लेवल पर, यानी 15 रुपये से 16 रुपये के बीच की जो रेंज है। यहाँ से एनालिस्ट भी रिकमेंड कर रहे हैं कि आपको बाइंग करनी चाहिए, और वैसा ही होते हुए भी आ रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ बात करें डिलीवरी के बारे में, तो आज डिलीवरी परसेंटेज अच्छी खासी है, यानी कि कल का माहौल भी ओवरऑल अच्छा बन सकता है। करीबन 36-37% के आसपास की जो ओवरऑल डिलीवरी है वो आपको देखने को मिल रही है। तो आज के दिन मूवमेंट क्यों आया? आज के दिन के मूवमेंट की सबसे बड़ी अगर हम यहाँ पे वजह देखें, सबसे बड़ा रीज़न देखें, तो कल ही मैंने आपको बताया था जो कि था FTSE इंडेक्स में यस बैंक का इंक्लूड होना। यानी कि अगर आप देखोगे ACC, कोटक बैंक और 9 अदर स्टॉक्स जिनमें यस बैंक का नाम भी शामिल हुआ है, इनको FTSE के लार्ज कैप इंडेक्स में इंक्लूड कर लिया गया है। और ये कल ही न्यूज़ आ गई थी, और जैसी ये न्यूज़ निकल के आई थी मैंने उस पर वीडियो कवर करी थी, और वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि ये जो न्यूज़ है वो डेफिनेटली एक गेम चेंजिंग हो सकती है, यानी कि जो नेगेटिव माहौल है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकती है। और आज वही है, यानी कि बैंक निफ्टी में ओवरऑल 1% की गिरावट है, लेकिन 3% के आसपास का मूवमेंट यस बैंक में नज़र आ रहा है।
ACC, कोटक महिंद्रा बैंक, कैनरा बैंक, IDBI बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन होटल्स, जिंदल स्टील एंड पावर, श्रीराम फाइनेंस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, इन सब के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यस बैंक का नाम भी शामिल हुआ है। वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं यानी कि आज देखो नाइका, जोमेटो, इन सब में तेजी है, लेकिन पेटीएम में फिर भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पेटीएम को यहाँ से जो ओवरऑल लार्ज कैप इंडेक्स था वहाँ से निकाल दिया गया, उसको मिड कैप इंडेक्स में डाला है, जिसमें आपको पेटीएम, वायोकॉन, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जुबली एंड फूड वर्क्स, पिरामल एंटरप्राइजेस, सोना VLW, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिनको यहाँ से एग्जिट का रास्ता दिखाया गया है। तो इन कुछ स्टॉक्स में डेफिनेटली आज के दिन गिरावट ही बन रही होगी। मैं पूरी डिटेल में तो इन सब पे वीडियो बना नहीं सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैंने जब ये वीडियो आपको बताई थी और रीज़न मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि कुछ पॉजिटिव माहौल बनते हुए नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों की कॉमेंट नेगेटिव कॉमेंट आए थे जिनका काम ही यही है कि हेट फैलाओ और नेगेटिव कॉमेंट करो, लेकिन उनको शायद आज इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि हर एक न्यूज़ जो है वो ऐसी ही नहीं होती है, उनका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब अगर हम बात करें तो आपको 81 बॉन्ड्स के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपीयर ऑलरेडी हो चुकी है यस बैंक, उससे रिलेटेड एक खबर निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखो कि यस बैंक ने कहा है कि जो हमने 81 राइट डाउन के बारे में बात करी है वो पूरी तरीके से RBI नॉर्म्स के अंदर हैं चीज़ें, और इसी रिगार्डिंग हमने ये सारी चीज़ों को स्टेप को फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे चीज़ें करी हो। यहाँ पे बताया गया है कि यस बैंक जब बॉम्बे हाई कोर्ट में अपीयर हुए थे ओवर टर्निंग द राइट डाउन ऑफ द बैंक्स 81 बॉन्ड्स, तो इसमें क्या हुआ था कि डेफिनेटली चीज़ें इनके फेवर में नहीं आई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट डाउन नहीं कर सकते हो, वैल्यू जीरो नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि स्पेशल लीव पेटिशन दायर की है यस बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में, और ये अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो भी सारी चीज़ें हो रही थी या जो भी सारी चीज़ें हम यहाँ पे राइट डाउन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं 84 करोड़ के आसपास के अमाउंट का, वो पूरी तरीके से RBI के नॉर्म्स जो हैं उनको फुलफिल या फिर उनके अंडर ही है, यानी कि कुछ भी हम एडिशनल चीज़ें बात नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखकर चलनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है क्या नहीं, वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा, बट मैं आपको ये जरूर बोल सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है यस बैंक के शेयर प्राइस को अपसाइड या फिर डाउनसाइड लाने में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया तो डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज़ बन जाएगी और उसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक के फेवर में डिसीजन दे दिया तो डेफिनेटली एक अच्छा माहौल बन जाएगा, जिससे यहाँ से जो यस बैंक है वो एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाले टाइम में बना सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आ रही थी, लेवल्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं, और अब आप मुझे बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है, क्या ये न्यूज़ से और ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं, वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।